चलिए आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं ग्रह विज्ञान की। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 12वीं में ग्रह विज्ञान। ग्रह विज्ञान का इकाई 9 वंशानुक्रम और वातावरण को आज हम पढ़ेंगे। तो बालक क्या होते हैं? बच्चे राष्ट्र की निधि है और देश के निर्माता है, देश का भविष्य है। इस निधि के निर्माण और समुचित विकास का उत्तरदायित्व समाज का है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों का लालन पोषण मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाए, तभी उनका पूर्ण सर्वांगीण विकास संभव है और उचित विकास ही बालकों को सुयोग्य और एक आदर्श नागरिक बना सकता है। उससे उन पर उत्तरदायित्व का भार वहन करने की क्षमता उत्पन्न होती का उत्तरदायित्व। फिर बालक के मनोवैज्ञानिक विकास में उनके वंश परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है, उसके साथ ही वातावरण का बालक के विकास को प्रभावित करता है। इस स्थिति में माता पिता और अध्यापकों को कहां तक बाल विकास में सहायता मिल सकती है, इस उद्देश्य से वंशानुक्रम और वातावरण की जानकारी आवश्यक है। वंशानुक्रम का संबंध अनुवांशिकता से जुड़ा है। इसके जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया था कि किस प्रकार माता पिता के लक्षण उसकी संतान में पहुंचते हैं और मेंडल को जन्मदाता कहते हैं। यह विवरण की आनुवांशिक के अंतर्गत आता है। इसी के आधार पर नई जातियों का विकास होता है। अब हम देखते हैं कि वंशानुक्रम की परिभाषाएं क्या है। तो विभिन्न विद्वानों ने वंशानुक्रम की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मेंडल ने लिखा है कि माता पिता के लक्षणों का संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना ही वंशागति या वंशानुक्रम कहलाता है। रूथ के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है और बालक के जन्म के समय उसे बहुत से पैतृक गुण प्राप्त होते हैं, यही उसकी आनुवांशिकता या वंशानुक्रम है। जन्म से ही बालक का काम रंग रूप आकार संवेग मूल प्रवृत्तियां स्वाभाविक क्रिया शक्ति वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। इसमें आमूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और एच ए पैटरसन ने वंशानुक्रम में के विषय में कहा है कि वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय अधीन गर्भाधान के समय या जन्म से 9 माह पूर्व तक व्यक्ति में उपस्थित रहती है, वंशानुक्रम कहलाता है। अब है वंशानुक्रम को समझने के लिए कुछ नियम है। तो वंशानुक्रम के नियम में सबसे पहले है गुण सूत्रों की निरंतरता। गुण सूत्रों की निरंतरता, तो फ्रांसिस वाल्टन ने इस विचार पर का प्रतिपादन किया है और उनने अध्ययन के बाद यह अपना मत दिया है कि वंशानुक्रम निर्धारण में 50% गुण माता से और 50% गुण पिता से प्राप्त होते हैं। दादा परदादा के गुण कम होते जाते हैं और मानव की उत्पत्ति अंडाणु और शुक्राणु जो एक्स और वाई फैक्टर कहलाते हैं उनके मिलने से होते हैं और ये निरंतर कायम भी रहते हैं। इसलिए मानव में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हीं जनन कोशाओं की निरंतरता के कारण मानव शिशु मानव जैसा और पशु शावक पशु जैसा दिखता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुण कम होते जाते हैं, मात्रा रूप में कमी पाई जाती है प्रति पीढ़ी। जैसे एक पीढ़ी के दूसरी
प्रति पीढ़ी, पहली पीढ़ी में कितना आएगा, आधा 1/2 होगा, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी होगी 1/4, 1/8, 1/16, 1/3, इस प्रकार हर पीढ़ी में उसका जो अंश है वो घटता जाता है। एक बच्चे में 50% माता तथा 50% पिता के गुण है, और प्रत्येक 50% अंश 25% उसके बाबा दादी और 25% नाना नानी के होते हैं। 50% माँ के होते हैं तो 50 में से 25 नाना नानी और 25 दादा दादी के होते हैं। प्रत्येक 25% में उसमें चौथी पीढ़ी के पर दादा, पर दादी, नाना, पर नानी के होते हैं। इसी क्रम में यह प्रतिशत घटता है और पीढ़ी आगे होती है। इसी कारण नस्लों में भिन्नता उत्पन्न देखी जाती है। शरीर और मन संबंधी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्जित होते हैं, किंतु अनुपयोगों से नष्ट होते हैं। मानव की भूमिका न होना, चित्रकार की शिशु का चित्रकार न बनना, पूर्वजों की अपेक्षाकृत नाक की बनावट में अंतर इसके उदाहरण है। दूसरा है अर्जित गुणों का वंशानुक्रम। लेमार्क ने इस सिद्धांत की पुष्टि करी, किसने करी है, लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि करी है कि अर्जित गुण संतति में संक्रमित होते या फैलते हैं। गुणों के अर्जित करने में वातावरण का प्रभाव तथा उस जीव के अंगों के प्रयोग तथा अप्रयोग पर निर्भर करता है। यही कारण है कि बकरी आकार का जिराफ वर्तमान आकार बन जाता है, और यही मैकडूल ने चूहों का पर प्रयोग किया है कि एक टब में चूहे छोड़े गए, बाहर आने के लिए एक प्रकाशपूर्ण मार्ग रखा गया और प्रकाशपूर्ण मार्ग से बिजली के झटके लगते थे, अतः चूहों ने गलती करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि चूहे बाहर आने के लिए तब से कोशिश करते हैं तो वहां पर बिजली का करंट है, एक बार झटका लगा, दूसरे लोग दूसरे चूहे देखकर उसने यह गलती करना बंद कर दी। पहली पीढ़ी ने 65 बार गलती करी, दूसरी ने 25 बार, को धीरे धीरे चूहों ने अंधकार का मार्ग भी अपना लिया। तो स्पष्ट हुआ कि अर्जित गुणों का हस्तांतरण होता है। फिर है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रतिगमन का सामान्य अर्थ है मध्य की ओर अग्रसर होना। गाल्टर ने ही इस मत की पुष्टि की कि कुशाग्र बुद्धि माँ बाप के बच्चे कालांतर में औसत बुद्धि के होंगे, और मध्य बुद्धि बालक के बच्चे भी कालांतर में औसत बुद्धि के हो सकते हैं। इसका कारण वंशानुक्रम को निर्धारित करने वाले गुण या जीन्स होते हैं जो दो अवस्था में रहते हैं, जागृत और सुप्त। अब है कि वंशानुक्रम को कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, तो देखते हैं वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला है भौतिक वातावरण। यदि किसी प्रदेश का वातावरण गर्म है तो वहाँ के व्यक्ति गर्म प्रदेश के व्यक्ति कैसे होते हैं, लंबे होंगे और उनका रंग सांवला, बाल कड़े होते हैं। ठंडे वातावरण में रंग गोरा, कद छोटा और बाल मुलायम और कम काले होते हैं। अब दूसरा है वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाला कारण है भोजन। तो बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन मिले तो वह निरोग और स्वस्थ होते हैं। अनाथ बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, गरीब का बच्चा भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व या भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाते। फिर शहर या गांव का वातावरण। शारीरिक गुणों की अपेक्षा संतानों में अर्जित गुण गांव की अपेक्षा शहर में अधिक विकसित होता है, और शहर के बच्चे का सामान्य ज्ञान भी ग्राम की अपेक्षा शहर में अधिक होता है। फिर स्कूली शिक्षा। तो शहर में पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा गांव
में परिषद में स्कूल में पढ़े बच्चे की तुलना में अधिक बुद्धिमान बनता है। हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाला बालक और भी अधिक तेज बुद्धि का बनता है। आर्थिक कारण कि माँ बाप की स्थिति अच्छी आर्थिक स्थिति पर बालक का माँ बाप की अच्छी आर्थिक स्थिति पर बालक गरीब मेहनत मजदूर के बच्चे की तुलना में अधिक होशियार होते हैं। इसमें 1% गरीब का बच्चा कोई कोई होशियार निकल जाता है। फिर शहर का वातावरण, यदि शहर में माता पिता पढ़े लिखे हों तो उनकी संतान भी अच्छी तरह पढ़ लिख जाती है और गरीब मजदूर का बालक अच्छी तरह नहीं लिख पढ़ पाता है। अब हम देखते हैं कि मेंडल के वंशानुक्रम के नियम, क्योंकि मेंडल को वंशानुक्रम का जनक या पिता भी कहा जाता है, तो पहले है प्रभाविकता का नियम। एक विपरीत लक्षण वाली जाति के बीच गर्भदान कराने पर प्रभावी गुण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होना ही प्रभाविकता का नियम कहलाता है। अप्रभावी गुण छिपा रहता है, जैसे काले और गोरे रंग के माता पिता है तो उनकी पहली संतान काली होती है। ये आपको यहाँ डायग्राम में बताया गया है। ये है काला पिता, ये है गोरी माता, तो जो पहली संतान होगी वह काली संतान ही होगी। अब है पृथक्करण का नियम। पहला था प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो एक विपरीत लक्षण वाली जाति के स्त्री पुरुष गर्भदान कराने पर प्राप्त संतान की संतान में अर्थात द्वितीय पीढ़ी में यह पृथक अप्रभाविकता गुण पृथक होता है और पृथक्करण कहलाता है। जैसे अभी आपने देखा, ये अपन ने चित्र में देखा कि ये काला पिता, ये गोरी माता और जो एक्स है ये क्या है, प्रथम पीढ़ी थी। यहाँ पर एक संतान में माता पिता के गुण होंगे, दो संतानों में माता तथा पिता के गुण होंगे अर्थात वर्ण संतान होंगे मिले जुले। इसको इसके द्वारा समझाए हुए, यहाँ पर एक संतान शुद्ध काली है, दो संतान काली गोरी पक्का रंग वर्ण संकर है और एक संतान जो है वो गोरी ही होगी। अब है लिंग का निर्धारण। तो माना कि 23 जोड़ों पर 46 गुण सूत्र होते हैं, जिससे प्रथम 22 जोड़े गुण सूत्र से शरीर बनता है और 23वें जोड़े से लड़का या लड़की बनती है। यह लिंग गुण सूत्र होता है। पुरुष में गुण सूत्र एक्स और वाई तथा स्त्री में गुण सूत्र एक्स होता है। यह लड़का एक्स तथा वाई के मिलने से लड़की और एक्स एक्स के मिलने पर पैदा होती है। चित्र से सिखाया गया है। अब है गुणसूत्र। यह स्त्री पुरुष के जनन कोश अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। यह धागीनुमा ऐश्वर्य रचना है, इसकी संख्या निश्चित है। इस पर छोटी छोटी गांठ नुमा रचना भी होती है जिन पर माता पिता के लक्षण अंकित होते हैं। यही लक्षण संतान में उत्पन्न होते हैं। अभी हमने वंशानुक्रम पढ़ा, अब देखते हैं वातावरण, क्योंकि बालक पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो बाल शक्तियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। वातावरण वह स्थान है जहाँ बालक माता पिता रहते हैं, वहाँ की स्थानीय निर्जीव वस्तुएं उसको प्रभावित करती हैं। बोरिंग लैंगफील्ड एवं वील्डर के अनुसार एक व्यक्ति के वातावरण से तात्पर्य उन सभी उत्तेजनाओं से है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य ग्रहण
परिभाषा भी है बोरिंग लैंडफिल और मिनरल कि वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो मनुष्य के व्यवहार को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती हैं। वुडवर्थ ने बोला है वुडवर्थ कि वातावरण को वंशानुक्रम से ज्यादा प्रभावकारी मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य मनुष्य में वैयक्तिक वातावरण के कारण पाए जाते हैं। समाज वंशानुक्रम होते हुए भी भिन्न भिन्न वातावरण में रहने पर उनमें भिन्नता आती है। मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने कहा है कि वातावरण की सत्ता को स्वीकार करते हुए यहाँ तक दावा किया है कि मुझे एक नवजात शिशु को मैं उसे डॉक्टर वकील चोर जो चाहूं बना सकता हूं। तो आप देखिए कि वातावरण का बालक पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। जॉन लॉक ने कहा है कि बालकों को कोरे स्लेट की उम्मीद दी है कि जिस पर वातावरण रूपी कलम से जो चाहो अंकित कर सकते हैं। अब है वातावरण के प्रकार। तो पहला है बाह्य भौतिक वातावरण। इसमें भोजन, घर, हवा, तापमान आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। इनकी अनुकूल परिस्थितियों में बच्चे का समुचित विकास संभव है और भौतिक वातावरण बच्चे की ऊंचाई, वजन, शरीर और गठन को प्रभावित करता है। भले ही माता पिता जो भी जीन्स प्राप्त किए हो, एक जापानी परिवार की ऊंचाई अमेरिका के वातावरण में औसत से 5% अधिक पाई जाती है। अब है आंतरिक वातावरण। इसका मतलब होता है कि प्राणियों के अंदर वातावरण से है जो भोजन ग्रहण कर उनसे प्राप्त विटामिन से होते हैं। जब वह भोजन रस बनकर रक्त धारा में मिल जाता है आंतरिक वातावरण कहलाता है। उसमें मनुष्य का रक्तचाप संवेग प्रभावित करते हैं और आंतरिक वातावरण में हार्मोन्स का विशेष महत्व है जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कभी कभी हार्मोन्स के कारण मनुष्य गलत आदतें भी अपना लेता है। फिर सामाजिक वातावरण एक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करता है। इसमें कुछ तत्व प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जैसे सही साथी, रिश्तेदार, पास पड़ोस आदि और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं जैसे पुस्तकें, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, मासिक पत्र, पत्रिकाएं आदि। ये बालक पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब है कि वातावरण और वंशानुक्रम का तुलनात्मक या सापेक्षिक महत्व क्या है। तो पहला मार्फिस वंशानुक्रम, मार्फिस ने इसका जो अध्ययन किया है तुलनात्मक, उन्होंने बोला है कि वंशानुक्रम और वातावरण पर विचार करने के बाद यह हम कह सकते हैं कि मानव के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का अलग अलग कोई महत्व नहीं है। और हम यह भी कह सकते हैं कि मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का एक समान ही प्रभाव पड़ता है जो हम इस प्रकार देख कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया है व्यवहार वातावरण और वंशानुक्रम मिलकर क्या हो गया, ये व्यवहार विकास वंश परंपरा और वातावरण वातावरण क्या हो गया विकास। कि बच्चों के व्यवहार में वातावरण और वंशानुक्रम का भी महत्व बराबर है और जो बच्चों का बालक का विकास होता है उसमें वंश परंपरा और वातावरण का बराबर महत्व। वंश परंपरा का मतलब भी वंशानुक्रम ही हो गया। अतः वंशक्रम को हम बीज रूप से प्राप्त करते हैं और बीज का विकास वातावरण से होता है। उसी प्रकार मनुष्य भी वंश परंपरा का निर्धारण
उसका विकास वातावरण के अनुसार होता है। डेविड अब्राहम मनुष्य क्या करता है यह वातावरण पर निर्भर करता है। मिकाइवर और पेज ने इसको बताया है कि जीवन की हर घटना दोनों का परिणाम होती है। दोनों का परिणाम मतलब पंचानुक्रम का और वातावरण दोनों का परिणाम जीवन की हर एक घटना और हर एक पहलू होता है। परिणाम के लिए उनमें से एक भी उतनी ही आवश्यक है जितनी का दूसरा। कोई भी कभी हटाई जा सकती है और ना अलग की जा सकती है। अरे बालक का विकास आज न तो वंशानुक्रम पर निर्भर करता और न ही वातावरण पर। वंशक्रम अथवा वातावरण की स्थिति बीज धन धरती धन खाद धन प्रकाश धन वायु जैसी होती है। मतलब कि जैसे बीज हो गया वंशानुक्रम, इसको धरती में लगाए, फिर पौधे को खाद भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, तब वह एक अच्छा और स्वस्थ वृक्ष बनता है। फिर मनोवैज्ञानिकों ने वंशक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करके अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकाले हैं। वुडवर्थ की धारणा है कि बालक के व्यक्तित्व को 80% वंशानुक्रम से और 20% वातावरण से निर्धारित होता है बालक का व्यक्तित्व और विकास। इसी में आगे मैकडूगल ने बताया है कि किसी व्यक्ति की वातावरण में चाहे जितनी आस्था क्यों ना हो, किंतु वह कभी नहीं कहेगा कि गुरिल्ला इसलिए अच्छा है कि उसे अनुकूल वातावरण मिला। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि व्यक्तियों में व्यक्ति विविधता पाई जाती है और यह वंशानुक्रम की देन है। फिर है आगे व्यक्तिगत विकास। मनोवैज्ञानिक आधार पर विकास संभव है और वंशानुक्रम से प्राप्त दुर्गुणों के उचित वातावरण से सुधारा जा सकता है। यदि वंशगत हमको कुछ दुर्गुण या कुछ प्राप्त है तो वातावरण के माध्यम से हम उनमें सुधार कर सकते हैं। बच्चों आज अपना ये नहीं समाप्त होता है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे और आपको क्योंकि बहुत अच्छे नंबरों से पास